आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली भाजपा हेडक्वार्टर में रविवार को लगातार दूसरे दिन पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक हुई। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन के प्रमुख नेता मौजूद रहे। मीटिंग में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम ने अपने राज्यों में चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर प्रेजेंटेशन दी। पीएम मोदी ने सभी नेताओं के साथ सरकार के मुद्दों पर विचार विमर्श किया। मोदी ने सभी मुख्यमंत्रियों को उनके राज्यों में चल रही योजनाओं को पूरा करने और समाज के सभी वर्गों, जिनमें विशेषकर गरीबों को योजनाओं के लाभ मिलने पर जोर दिया। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, मोहन यादव, भजनलाल शर्मा, विष्णुदेव साय, नायब सिंह सेनी, भूपेंद्र पटेल, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, पुष्कर सिंह धामी, हेमंत बिस्वा शर्मा, पेमा खांडू, बीरेन सिंह, मोहन चरण मांझी, माणिक साहा मौजूद रहे। भाजपा नियमित अंतराल पर मुख्यमंत्री परिषद का आयोजन करती है। इसके जरिए बीजेपी शासित राज्यों में चल रही योजनाओं की समीक्षा की जाती है, राज्यों और केंद्र की योजनाओं की स्थिति जानी जाती है। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।